श्रीधर नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ श्रीरंगपुर नाम के गांव में रहता था। श्रीधर बड़ा ही सीधा साधा इंसान था, वो बस अपने काम से काम रखता। एक वक्त की बात है, श्रीधर की माँ रमा पापड़ बनाने का काम करती थी और श्रीधर उन्हें मार्केट में ले जाकर बेचता था। उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। रमा बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पापड़ बनाती थी। उसे अपने ऑर्डर्स पूरी करने के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती और श्रीधर उसमें उसकी मदद भी कर देता था। अब श्रीधर की मीना नाम की लड़की से शादी हो जाती है और मीना भी रमा को पापड़ बनाने में मदद करने लगी, तो रमा को थोड़ा आराम मिलने लगा। अब एक दिन रमा मीना से, मीना बहू जरा पापड़ का आटा बना लेना, फिर हम दोनों मिलकर दोपहर के समय पापड़ बेलेंगे। जी माँ जी, पहले घर के काम तो कर लूँ फिर बनाती हूँ। नहीं बेटी, अभी कर ले, तुम्हारे काम होने तक अगर आटा भिगोएंगे तो पापड़ अच्छे बनेंगे। जी ठीक है, अभी बनाती हूँ। मीना बड़ी ही शातिर, आलसी और लालची किस्म की औरत थी। उसे रमा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा से आराम की जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन श्रीधर से शादी के बाद उसे हर रोज काम करना पड़ता था और जो भी पैसे आते वो रमा के पास ही आते, तो मीना को इस बात से बड़ा ही गुस्सा आता था। और यहाँ श्रीधर ठहरा सीधा साधा इंसान। एक दिन मीना अपने पति श्रीधर से, सुनिए जी, आजकल माँ जी कुछ ज्यादा ही काम करवाती है मुझसे और खुद आराम से बैठकर पैसे गिनने का काम करती है, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो क्या हुआ मीना, वो हमारी माँ है। हाँ तो मैं कहा कह रही हूँ कि वो हमारी दुश्मन है, लेकिन आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही परेशानियाँ हो रही है। काम ज्यादा होने के कारण मैं थक भी बहुत जाती हूँ और ऊपर से अपने मन से कुछ खरीद भी नहीं सकती। कभी बाहर नहीं जाना, सिर्फ काम काम काम। यहाँ आकर तो मेरी जिंदगी जैसे कैदी जैसी हो चुकी है। अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो तुम, कितनी अच्छी फैमिली है हमारी और तुम कहती हो, देखो पापा और मैं मार्केट जाकर पापड़ बेचते हैं और माँ और तुम दोनों मिलकर पापड़ बनाते हैं घर पर। हाँ हाँ, कह के तो देखिए कि दोनों मिलकर पापड़ बनाते हैं। अरे आपकी माँ तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती और आप है कि दोनों मिलकर बनाती है वाले, मेहनत करे हम और पैसे ले वो। अरे मीना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बुरा क्यों सोचती हो। बुरा सोचती हो, अपने परिवार के बारे में सोचना क्या बुरा होता है। अब मीना का ये हर रोज का होने लगा। वो हर रोज श्रीधर को परेशान करने लगी, बार बार श्रीधर से पैसों की मांग करने लगी ताकि श्रीधर अपनी माँ से पैसों के बारे में बात करे और सारा पैसा उसके हाथ में आ जाए। अब हार कर एक दिन श्रीधर अपनी माँ से, माँ आजकल आप बिल्कुल काम नहीं करती और बार बार आपसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों ना आप। ठीक है श्रीधर, वैसे भी अब मैं काम करते करते थक चुकी हूँ, मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। अगर तुम दोनों मिलकर ये काम करोगे तो हम गंगा नहाए। रमा ने मीना की बातें कई बार सुनी थी लेकिन वो हमेशा इन बातों को नजरअंदाज करती। जब ये बात श्रीधर ने छेड़ ही दी थी तो रमा ने सोच लिया कि अब वो सारा व्यवहार अपनी बहू मीना को सौंप देगी और दोनों पति पत्नी भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ेंगे। चार आठ दिनों में ही रमा और माधव दोनों घर से निकल पड़े और यहाँ सब कुछ मीना के हाथ में आ गया। मीना इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी। अब वो रमा ने सिखाए पापड़ को उसी ढंग से बनाती जैसे रमा बनाती और श्रीधर अकेले ही मार्केट में जाकर बेचता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब मीना के पास पैसे आने लगे। एक दिन मीना श्रीरंग से, सुनिए जी, देखिए तो, देखिए इस महीने हमें 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। हाँ मीना, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज अगर माँ यहाँ होती तो उसे बहुत खुशी होती। ऐसा कहकर श्रीधर वहाँ से चला जाता है कि तभी मीना, बड़े आए माँ होती तो उसे बहुत अच्छा लगता वाले, मेहनत करूँ मैं, पैसा कमाऊँ मैं और खुशी उनकी। अब धीरे धीरे कर मीना के मन में पैसों का लालच आने लगा, तो वो एक दिन अपने आप से, मैं किसी औरत को काम पर रख लूं और पापड़ में डलने वाला मसाले की मात्रा कम कर दूं तो मेरा मुनाफा और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ मैं ऐसा ही करूंगी और मेरा आराम भी हो जाएगा, लेकिन अगर पापड़ की टेस्ट बदल गई तो क्या, मुझे मेहनत करनी पड़ती है तो पैसा कमाने के लिए ही ना। अब उसने काम पर एक औरत को रख लिया ताकि वो आराम से जिंदगी जी सके। इतना ही नहीं, उसने अपने पापड़ में डलने वाले मसाले की मात्रा कम कर दी जिससे पापड़ की टेस्ट पूरी तरह से बदल चुकी थी। पैसा देख उसके मन में लालच बढ़ने लगा।
तो उसने अपने पापड़ की साइज भी छोटी कर दी, जिस कारण लोगों में चर्चा होने लगी। एक दिन श्रीधर मीना से, मीना, पापड़ की साइज कुछ छोटी लग रही है और टेस्ट टेस्ट भी अलग लग रहा है। आप भी ना बहुत भोले हो, कितनी महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के जमाने में तो ऐसा करना ही होगा ना। मीना की बातें सुनकर श्रीधर चुपचाप वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। तो एक औरत श्रीधर से, श्रीधर भैया, आपके माँ के हाथ की टेस्ट अब काफी हद तक बदल चुकी है और पापड़ की साइज भी कम हो चुकी है और दाम वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। अरे दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है और आप तो जानते हो महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। भैया, अगर टेस्ट पहले जैसी हो तो ही देना। हाँ हाँ दीदी, इस बार पहले जैसे ही टेस्ट है। अब धीरे धीरे श्रीधर लोगों को समझाता तो है, लेकिन टेस्ट ना मिलने के कारण उसके पापड़ कोई खरीदना नहीं चाहता था। एक दिन श्रीधर मीना से, मीना देखा तुमने, इस महीने में हमें 50 क्या 1,000 रुपए का मुनाफा भी नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम हो, तुम तो किसी की बात सुनोगी नहीं। अब लोगों के आंगन तक जाने पर भी लोग पापड़ नहीं खरीदते, आधे दाम में ही मुझे पापड़ बेचने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब आगे क्या होगा ये सोचकर मुझे टेंशन आ रहा है। अब क्या होगा श्रीधर, मैंने तो सोचा था कि ज्यादा पैसा कमाएंगे और माजी को दिखा देंगे कि कैसे हम तरक्की कर रहे हैं। मीना और श्रीधर की बातें चल ही रही थी कि तभी रमा और माधव अपनी यात्रा पूरी कर घर लौट आए। रमा को सामने देख मीना झट से रमा के पैर पकड़ कर उससे, माजी माजी मुझे माफ कर दीजिए माजी, मैंने हमेशा ही अपने आप को सही समझा, कभी आपकी अहमियत को नहीं समझा। मेरे मन में पैसों का लालच आ गया था, जिस कारण मैंने आपका सिखाया सब कुछ भुला दिया। और अब देखिए ना, लेकिन अब आप ही हैं जो हमें इस खाई से उभार सकते हो। कोई बात नहीं मीना, सब्र करो, अब हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, लेकिन इस बार हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, काम कोई भी करो तो उसमें क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। मीना का पूरा घमंड, आलस और लालच चूर चूर हो चुका था। अब वो बड़ी मेहनत के साथ अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर पापड़ बनाने लगी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। शांतिपुर नाम के गांव में रामू अपनी पत्नी शीतल के साथ रहता था। रामू मन से बहुत ही अमीर और धन से बहुत ही गरीब इंसान था, लेकिन वो मेहनती के साथ साथ बड़ा ही उदार दिल इंसान था। उससे किसी का भी दुख दर्द देखा नहीं जाता था। वो हर रोज किसी न किसी की जितनी हो सके मदद करता। उसके पास थोड़ी सी ही जमीन थी जिसमें वो दोनों बड़ी ही मेहनत करते। उनके पास कपिला और लीला नाम की दो गाय थी जिन्हें लेकर वो हर रोज दोपहर के समय पहाड़ी पर जाता, जहाँ वो उन्हें चरने के लिए छोड़ देता और खुद आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छे से समझता और उन्हें पूरा भी करता। वो पहाड़ों पर जाने के बाद अपने गाय को चरने के लिए छोड़ता और बाद में ही खुद खाना खाने के लिए बैठ जाता। एक दिन रामू अपनी पत्नी से, शीतल जरा जल्दी चलो, आज खेतों में बीज बोने हैं। हाँ अभी चलती हूँ, पीने के लिए पानी ही भर रही हूँ। अब रामू और शीतल दोनों मिलकर अपने बैलगाड़ी को पीछे से गाय बांधते हैं और अपने खेतों में जाने के लिए निकलते हैं। रामू हमेशा ही उन्हें नदी में लेकर जाता, अच्छे से धोता, साफ सुथरा करता और फिर उन्हें हरा चारा खिलाने के लिए पहाड़ी पर लेकर जाता। एक दिन की बात है, हर रोज की तरह रामू पहाड़ी पर चला जाता है। वहाँ उसकी एक गाय कुछ दूरी पर खड़ी रहकर अपना दूध बहाने लगती है, जिसे देख रामू को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो रात के वक्त घर आता है तो शीतल उससे, अजी आज आपको हर रोज से ज्यादा देर हो गई, कहाँ फंस गए थे आप? जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए, अभी गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ आपको। शीतल शीतल सुनो तो, आज क्या हुआ है पता है तुम्हें? तुम्हें सुनकर विश्वास ही नहीं होगा, मुझे खुद अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब रामू शीतल को सारी बात बताता है तो शीतल रामू से, ये क्या कह रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है? तो क्या आज गाय ने दूध ही नहीं दिया? वही तो शीतल, तुम्हें वही तो बता रहा हूँ, कपिला ने आज दूध ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई समस्या होगी गाय को, चलिए कल देखते हैं। ऐसा कहकर शीतल और रामू खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हर रोज की तरह दोनों खेतों में चले जाते हैं। दोपहर का समय हो चुका था तो रामू शीतल से, शीतल
मैं कपिला और लीला को लेकर पहाड़ी पर जा रहा हूँ। तुम्हारा काम होने के बाद तुम बैलगाड़ी लेकर घर चली जाना। जी, ये थोड़ा सा काम है वो पूरा कर लूँ, फिर चली जाऊंगी। रामू कपिला और लीला को लेकर हमेशा की तरह पहाड़ी पर चला जाता है, तो वो आज फिर वही देखता है। अब दिन बीतते गए, हर रोज यही हो रहा था, तो शाम के समय रामू शीतल से। शीतल, मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई बात है। क्यों ना हम इस गाय को पहाड़ी पर ना ले जाकर खेतों में ही रख कर देखें? मैं जाते वक्त उसे घर लेकर जाऊंगी। ठीक है, देखते हैं। रामू उस दिन कपिला को खेत में ही रहने देता है और लीला को अपने साथ लेकर पहाड़ी पर चला जाता है। लेकिन कुछ देर में ही कपिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कपिला अपनी रस्सी तोड़कर पहाड़ों पर उसी जगह जाकर खड़ी रह जाती है, तो रामू उसे देख अचरज में पड़ जाता है। कपिला के पीछे भागते भागते शीतल भी वहाँ आ जाती है, तो दोनों देखते हैं कि आज फिर से कपिला वहाँ पर दूध की गंगा बहा रही है। उसे देख रामू। देखो देखो शीतल, मैंने तुम्हें कहा था ना। हाँ जी, आप तो बिल्कुल सही बता रहे थे, लेकिन ये कैसा चमत्कार है कि कपिला हर रोज यहाँ पर अपने दूध की गंगा बहाती है और घर पर सुबह के वक्त भी एक घूंट दूध भी नहीं देती। हाँ, लेकिन अब क्या करें? सुनिए जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो है जिस कारण कपिला यहाँ पर आकर दूध की गंगा बहाती है। शायद खजाना। खजाना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कभी होता है भला? अरे नहीं नहीं, मैंने ये सुना है कि ऐसा होता है। हम इस जगह को खोद कर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। रामू और शीतल बातें कर ही रहे थे कि उनकी सारी बातें मोहन नाम के एक चरवाहे ने सुन ली, जो कि एक बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। वो हमेशा ही लोगों को ये जताता कि वो है इसी कारण उनकी गौ माताएं और भैंस है। तभी शीतल, हम कल सुबह खेत में काम पूरा कर यहाँ आएंगे और देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। ठीक है। अब मोहन मन ही मन, अच्छा हुआ, अब मैं तो रात में ही वहाँ चला जाऊंगा और खोद के वहाँ से सारा खजाना निकाल कर लाऊंगा और गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। अब मोहन सभी गाय और भैंस को गांव में उनके उनके मालिक के घर छोड़ देता है और फिर से वहीं पर पहाड़ी पर जाकर उसी जगह खोदने लगता है। खोदते खोदते उसे वहाँ पर सोने और चांदी के बड़े बड़े घड़े दिखाई देते हैं। उसे देख मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बहुत ही लालच में आ जाता है और लालच में आकर वो घड़े बाहर निकाले बिना ही उसमें से कुछ सोने के सिक्के हाथों में लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी एक सांप वहां आकर उसे डसकर वहां से चला जाता है और वहां की जमीन फिर से वैसी की वैसी ही हो जाती है। अब दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सारे गांव में ये खबर फैल जाती है। तो शीतल, सुनिए जी, हम सोच क्या रहे थे और क्या हो गया? अरे शीतल, अच्छा हुआ कि हमारे वहां जाने से पहले ही हमें असलियत का पता चल गया। अब शीतल और रामू पहाड़ों पर ना जाकर खेतों में चले जाते हैं। वहाँ पर वो दिन भर काम करते हैं। दोपहर का समय हो चुका था। आज फिर से कपिला गाय अपनी रस्सी तोड़कर वही जाती है। उसके पीछे पीछे रामू और शीतल भी चले जाते हैं। ये देख शीतल और रामू परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो रामू अपनी गाय को थपथपाते हुए, कपिला तुम यहाँ क्यों आती हो? तुम्हें पता है आज सुबह इस जगह पर गाँव का चरवाहा मृत अवस्था में मिला है। क्यों परेशान कर रही हो? पहले से ही हमारी जिंदगी में कम परेशानियां नहीं है। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे और तुम हो कि। तभी कपिला अपने खुरों से उस जगह को खोदने लगती है, तो उसे देख शीतल, मुझे लगता है कि हमें ये यहाँ पर खोदने के लिए कह रही है। शीतल, अब तुम भी बस करो। कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। रामू और शीतल यहाँ वहाँ देखने लगते है। वो घबराए हुए थे क्योंकि मोहन की बार बार उन्हें याद आ रही थी कि तभी फिर से, रामू शीतल ठीक कह रही है, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारी गाय कपिला बोल रही हूँ। आज तक तुमने मेरे साथ साथ कई सारे लोगों का भला किया है, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अब रामू और शीतल दोनों मिलकर वहाँ पर खोदना शुरू करते है।
कुछ वक्त खोदने के बाद उन्हें वहाँ पर सोने और चांदी से भरे घड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें देख रामू और शीतल अचरज में पड़ जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो गांव के सबसे अमीर लोग बन चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो गांव में सबकी मदद करते थे। अब उसने कई सारी गाय खरीदी और वो गायों की सेवा भी करता। रामू और शीतल दोनों बड़े ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।